हाँ, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आज हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा धात्विक प्रकृति है ना, संक्रमण तत्वों की धात्विक प्रकृति, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आगे बन बताओ कोई भी। आघात वर्धनीयता। अच्छा, ये क्या है आघात वर्धनीयता, क्या है बोलो, आघात वर्धनीयता क्या है भाई? हाँ आघात का मतलब समझते हो, चोट। तो ये जो धातु होते हैं ना, ये हाँ हाँ ये क्या होते हैं, धातु कठोर होते हैं, धातुओं ये मजबूत होते हैं, और इसलिए इनकी इनमें आघात वर्धनीयता होती है। इसका मतलब है इनमें चोट सहन करने की क्षमता होती है। हम इनको कूट पीट पीट करके जो चपटी शीट है ना वो बना सकते हैं, लेकिन इनके टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, जैसे चौक के टुकड़े को मोड़ते ही वो टूट जाता है ना, ये वैसे नहीं है। हम अच्छा इनके जितने इनको जितने हथौड़े से पीटते जाएंगे वैसे ये फैलते जाएंगे, है ना। मतलब इनमें चोट सहन करने की क्षमता होती है। पतली शीट हम लोग बना सकते हैं इसी, है ना, पतला वायर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आघात वर्धनीयता। आगे और कौन सा गुण होता है? के साथ साथ इनकी कठोरता चमक के साथ साथ इनकी कठोरता। कठोरता, चमक के साथ साथ इनकी कठोरता। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को फटाफट ये कराता हूं। और ये लो भाई, अब आपके सामने आ गया। हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो आपके सामने है, और ये है इनमें जो धात्विक बंध होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल प्रबल धात्विक बंध होते हैं, है ना। चलो इससे ऊपर हो रहे कुछ मैटर, वो देखते हैं क्या है। ये रहा देखो, है ना। तो अब सुनो भाई, संक्रमण धातुओं की धात्विक प्रकृति होती है। दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? ओके, यस सर। अब धातुओं की जो संरचनाएं होती है ना, धातुओं की क्रिस्टल संरचना, वो तीन तरह की होती है। देखो, एक तो है बीसीसी, है ना, बॉडी सेंटर्ड, और एक है एफसीसी, है ना, और एक है एचसीपी। तो इनके हिंदी में नाम क्या है? केंद्रित गंगा की संरचना फलक केंद्र, बीसीसी, हाँ और ठीक फलक है केंद्रीय गंगा बीसीसी, संरचना एफ, हाँ ये तो और फलक है। केंद्रीय ठीक है, ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि काय केंद्रित घनीय, ठीक है। और ये है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है एचसीपी। इनके हिंदी में नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि संक्रमण धातु सारे के सारे धातु हैं, इसलिए धातुओं की जो क्रिस्टल संरचना तीन तरह की होती है, इनकी भी ये संरचनाएं होती हैं। इनमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात तो है एमएन के साथ। एमएन के साथ क्या हुआ, मैंगनीज की संरचना अलग होती है, यह अपवाद है थ्री डी जो सीरीज है उसमें, और इसकी विशिष्ट संकुलित क्रिस्टल संरचना होती है। विशिष्ट संकुलित क्रिस्टल संरचना का कारण यहाँ पर क्या है, इनमें D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि अतिरिक्त रूप से स्थायी है। तो इस वजह से इनकी जो क्रिस्टल संरचना है वो बाकी 3D सीरीज के धातुओं से अलग होती है। और इन तीनों ही प्रकार की मैंगनीज की संरचना इन तीनों में से किसी प्रकार की नहीं होती, वो एक विशिष्ट संकुलित क्रिस्टल संरचना होती है। ठीक है, अब अगला है, इनमें गुण आप लोगों ने अभी बताए, धात्विक प्रकृति होने की वजह से गुण चमक आ जाती है, अधिक घनत्व हो जाता है। घनत्व वाला किसी ने नहीं बताया आप लोगों ने, अधिक घनत्व होता है, ये कठोर होते हैं, ये सुचालक होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। और ये जो एक और इम्पोर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है परमाणवीकरण की उच्च एंथैल्पी। तो ये सब क्या है वो हम देखेंगे अभी, है ना, ये इनके गुण हो गए। अब हम लेते हैं कि ये जो संक्रमण धातु में प्रबल धात्विक बंध है वो क्यों होता है। तो प्रबल धात्विक बंध के देखो दो कारण हैं, एक तो संक्रमण धातु में प्रभावी नाभिकीय आवेश वो अधिक होता है, और दूसरा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता, क्योंकि धात्विक बंध
किसकी वजह से बनता है? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता हो जाती है। तो देखो भाई, धात्विक बंध जो बनता है ना इनमें संक्रमण तत्वों में, है ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जितने ज्यादा, ये देखो किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जितने ज्यादा होंगे, धात्विक बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है धात्विक बंध की प्रबलता, ठीक है। अब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्धता ये कहां से आ गए भाई? अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए इनमें, संक्रमण तत्वों में? तो संक्रमण तत्वों में क्या होता है, ये हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं कि 3D और 4S जो उपकोष हैं इनके बीच का ऊर्जा का अंतर कम है। तो कम होने से क्या हुआ, 4S के साथ साथ में जो 3D कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और जो धात्विक बंध बनता है वो कैसा बनता है, प्रबल बंध बनता है। बात समझ में आई? तो इसका यहाँ ये कारण है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ तथ्य हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं। ये वेनेडियम, क्रोमियम, टेक्नीशियम और W को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? W को, W का नाम क्या है बोलना जरा, कोई भी? तत्वों के नाम और प्रतीक नहीं पता होंगे तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर? सुमन, चंदा, ईशा, जया, करण सिंह, सामोता, कविता, जाट और एक जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कौन है लास्ट में? कोई बात नहीं, रेशम। तो बताओ भाई, बोलो, W किसी को नहीं पता? नहीं पता। टंगस्टन, यस यस, W है टंगस्टन, ठीक है, W टंगस्टन है, और TC है टेक्नीशियम, ठीक है। ये TC है ये 4D सीरीज का है, W है वो 5D सीरीज का है, ठीक है। तो ये जो हैं ये अधिक कठोर धातु हैं। यदि यह प्रश्न आता है तो आपको उत्तर क्या लिखना है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है इसलिए इनमें धात्विक बंध अधिक प्रबल होता है, इसलिए यह क्या होते हैं, कठोर, ठीक है। तो अब सॉफ्ट कौन से होते हैं? ZN, CD, HG, इनको देखते ही, तीनों को देखते ही कुछ याद आया, ये संक्रमण तत्व है या नहीं है? ZN, HG, CD, बोलो, ZN, CD, नहीं, बोलो? है, नहीं है, ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनमें इनमें या इनकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में जो डी कक्षक है अपूर्ण नहीं होता, अपूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण होता है, ठीक है? होता है। तो ये जो है ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो ये जो जिंक है ना, ये तुम लोगों की स्कूल की लेबोरेटरी में भी आसानी से मिल जाएगा, इसको हम हाथ से आराम से तोड़ सकते हैं, इस जिंक को, है ना। और हम हाथ से तोड़ने का लोहे को तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं हाथ से। तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा ये देखो सॉफ्ट की भी देखो, अच्छा सॉफ्ट क्यों हुए, अब यहाँ पे कारण समझ में आ गया होगा कि ये सॉफ्ट क्यों हुए। सॉफ्ट क्यों हुए भाई? सॉफ्ट इसलिए हुए क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तीनों में ही, ये 3D10 तो मैंने जिंक का लिखा है, इसका 4D10 हो जाएगा, इसका 5D10, तीनों में ही D10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D10 4S2, तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनमें धात्विक बंध अधिक प्रबल नहीं होता। अच्छा सॉफ्ट होने का भी देखो क्रम, देखो क्या हुआ, ZN के नीचे CD आता है और उसके नीचे HG आता है। ये है इनका जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें इनकी पोजीशन इस तरह से है। तो अब ZN सॉफ्ट है, CD और सॉफ्ट हो गया, और HG तो देखो इतना सॉफ्ट हो गया कि यह लिक्विड हो गया, यह सॉलिड ही नहीं रहा। बात समझ में आई है आपको? सॉफ्ट होते होते HG इतना सॉफ्ट हो गया, है ना, मतलब ये जो सॉफ्टनेस है वो जिंक से लेकर के HG तक हम जाते हैं तो बढ़ती है। और HG यानी कि मर्क्यूरी यानी कि पारा, वह एकमात्र ऐसा धातु है जो तरल अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यह लिक्विड
होता है। बात समझ में आई? तो यह किस लिए हुआ? यह हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होने की वजह से, है ना। अब देखो भाई, जो हमारी जो स्कैंडियम से जो सीरीज है, कौन सी, स्कैंडियम से जिंक तक जो हमारी सीरीज है ना, तो इसमें शुरू में अनपेड इलेक्ट्रॉन शुरू में बढ़ते हैं, ठीक है, क्रोमियम तक बढ़ते हैं और फिर बाद में कम होते हैं। ये बात सही है ना? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 ऐसे चलता है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, फिर D5 तक जाता है, उसके बाद में D6 जैसे ही जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, युग्मन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस डी सीरीज में कैसे बढ़ती है, स्कैंडियम में वन रहती है, फिर बढ़ती जाती है 2, 3, 4, 5 तक जाती है, फिर 5 से आगे 4, 3, 2, 1 इस तरह से आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि धात्विक बंध की प्रबलता स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और क्रोमियम से जिंक तक वह कम होती जाती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोलो, कम होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा धात्विक जो प्रकृति का टॉपिक है वो हो गया पूरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक अच्छा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं यही लिख देता हूँ। हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की, अगला टॉपिक यही है ना। तो अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहला पॉइंट लिख लो कॉपी में, वो ये है कि संक्रमण धातु अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, अनेक मत लिखना, अनेक भी लिख लो लेकिन ये शब्द जरूर लिखना, परिवर्ती, ठीक है। संक्रमण धातु अनेक या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का क्या मतलब हुआ, ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ये हुआ, ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं काफी सारी हो सकती हैं, वेरिएबल, है ना, मतलब ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को बदल सकते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित होती है। अब परिवर्तित क्यों होती है, वो कैसे होती है, ये मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। अब ये देखो भाई, तुम्हारे सामने एक आ गया इमेज, आ गई ना इमेज, ठीक है, नहीं आई, वेरी गुड, कोई बात नहीं, नहीं आई तो अब आ जाएगी, मैं ले आता हूं इसको, एक मिनट रुक जाओ, अभी ले आते हैं, आएगी कैसे नहीं, अब आ गई है, आ गई, हाँ सर, ओके। तो अब देखो तुम्हारे सामने ये ऑक्सीकरण अवस्था की टेबल है, ठीक है, संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था की टेबल है। इसमें देखो ये तो ग्रुप है ना, ग्रुप हमारा तो 3 से, हमने क्या लिया हुआ है, 3 से 12, है ना, तो ये 3 से 12 तक के ग्रुप है, लेकिन इन्होंने जिंक को शामिल नहीं किया क्योंकि जिंक तो संक्रमण धातु है ही नहीं, है ना, तो ये 11वां ग्रुप है, ठीक है। अब आगे देखो, ये है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है 3d1 4s2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, d1 वाला ये अयुग्मित है, ये तो s वाले तो युग्मित है, ठीक है। तो ये देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितने हो गए, इसमें 6 कैसे हुए भाई, इसका किसी को पता है क्या, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, सही बात है, हो गए 6, फिर 5, फिर 4, ये देखो पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, ठीक है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, ये नोट कर लिया। अब आगे देखो, ये टेबल बुक में भी दी हुई है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो इसको। अब आगे देखो क्या हुआ, स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं, ये जो बोल्ड अक्षरों में दिख रहे हैं, बोल्ड अक्षरों में जो मोटे अक्षरों में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिख रही हैं वो स्थाई ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये स्थाई ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। आप बुक में भी इनको गोला लगा लो, मैं यहाँ पर गोला लगा देता हूँ फटाफट, आप बुक में भी गोला लगा लो कि ये जो गोला लगाई हुई संरचनाएं ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये है उस धातु की अधिक स्थाई ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, ये लो भाई, ठीक है। अब देखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वो स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है प्लस तीन, ठीक है। और सुनो हमने लिखा है कि संक्रमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, एक से अधिक दिखाते हैं, तो भाई स्कैंडियम की तो एक ही है, ये तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रश्न बन गया कि ऐसा कौन सा धातु है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, वो है स्कैंडियम। और स्कैंडियम ऐसा क्यों करता है, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d1 4s2। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन ही तो बचे, तीन ही तो इलेक्ट्रॉन है, चार तो 4s में दो, 3d में एक, है ना। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। 3s2 3p6 3d1 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से इसलिए बाहर निकाल करके प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था बनाते हैं स्कैंडियम की, क्योंकि इनके बाहर निकलने के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 हो गया, जो कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अक्रिय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है s2p6। और ये कौन सी अक्रिय धातु हो गई, ये हो गई ऑर्गन, अक्रिय धातु नहीं, अक्रिय गैस, ये हो गई अक्रिय गैस, नोबल गैस ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसलिए स्कैंडियम तीन इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल देता है, और अक्रिय धातु का स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है ऑर्गन का, इसलिए यह सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ठीक है। टाइटेनियम की तीन ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेकिन सबसे अधिक स्थाई कौन सी होती है, बोलना जरा, प्लस चार। कारण समझ में आ गया, क्योंकि इसका भी वही कारण है, इसका भी प्लस चार ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 होगा, इसलिए यह भी इसका स्थाई वाला तो प्लस चार ही है, ठीक है। उसके बाद में वेनेडियम, अब आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये चीज फॉलो नहीं होगी, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल है ना। जैसे क्रोमियम है, मैं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लेते हैं, जैसे क्रोमियम है। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d5 और 4s1। अब इसको नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तो एक धातु से 6 इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दूसरा भी निकल जाता है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इतनी ऊर्जा अवेलेबल हो नहीं पाती, ठीक है। इसलिए ये जो मैंने कारण बताया है वो स्कैंडियम और टाइटेनियम के लिए ही लगता है। आगे वाले तत्वों में जो इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वह स्थाई नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हम यहाँ करना भूल ही गए कि इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। देख लो यहाँ पर टाइटेनियम की तीन है, वेनेडियम की पांच है, चार है, क्रोमियम की ये पांच हो गई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखो कितनी है, एक दो, अच्छा तीन से लेकर के सात तक बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये देखो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं सबकी, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई। अब परिवर्ती क्यों हुई, इसका कारण हमने ले लिया कि d 3d और 4s में ऊर्जा का अंतर कम है, इसलिए 4s के साथ साथ 3d भी बाहर निकल लेते हैं, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई, एक से अधिक हो गई, ठीक है। स्थायित्व हमने देख ही लिया। अब जो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे एक विशेष ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थाई हो रही है, बाकी सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थाई नहीं है, ठीक है।
अब देखो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है कौन, प्लस सेवन। ये देखो ऑक्सीकरण अवस्था का जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी बढ़ती जा रही है। देखो स्कैंडियम में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस तीन, टाइटेनियम में प्लस फोर, इसमें प्लस पांच, इसमें प्लस छह और मैंगनीज में प्लस सात ऑक्सीकरण अवस्था है और उसके बाद कम होती जा रही है। इसका कारण कौन बताएगा, बताओ। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था स्कैंडियम से मैंगनीज तक बढ़ रही है और मैंगनीज से कॉपर तक घट रही है, बोलो कारण बताओ भाई इसका। बोलो बोलो क्या कारण है इसका। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्कैंडियम से मैंगनीज तक बढ़ रही है फिर बाद में कम हो रही है, ठीक है। तो ये देखो मैं मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं एक बार। मैंगनीज का हो गया 3d5 और 4s2, इसका होता है 3d5 4s1, ठीक है। तो अब ये जो देखो मैंगनीज का देखो 3d5 4s2, तो अयुग्मित तो पांच है लेकिन निकल सकते हैं यहाँ पे सात, ठीक है। इसलिए अधिकतम सात इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये निकल सकता है। कई इसके यौगिक हैं जिनमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस सात होती भी है, इसलिए ये स्कैंडियम से मैंगनीज तक देखो बढ़ रही है। आयरन के बाद में ये कम होती जा रही है, इसकी प्लस छह, इसकी प्लस पांच है, इसकी प्लस चार है, इसकी प्लस दो है, क्योंकि उसके बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ती है फिर घटती है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था भी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है, ठीक है। अच्छा बुक में एक अलग लिखा हुआ है, एक बात गलत लिखी हुई है कि Cu और क्रोमियम को छोड़कर अन्य संक्रमण तत्वों में प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, सभी NH2 विन्यास के कारण। चलो छोड़ो इसको, कोई बात नहीं है, आप लोग जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान रखो, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया, MN वाला तो हो गया, ठीक है। अब देखो भाई आगे ये जो कम हो रही है प्लस सात से लेकर के कॉपर में, है ना, ठीक है। तो ये भी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो अब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बहुत बढ़ गया, इसलिए ये जैसे इसमें मैंगनीज में सात इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं लेकिन आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, इसके आठ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पर अब प्रभावी नाभिकीय आवेश भी काफी बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था कम होती चली जाती है। और अब केवल कॉपर ऐसा है जिसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बताना जरा, प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था केवल कॉपर में होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1, तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 को प्राप्त कर लेता है, इसलिए केवल कॉपर ऐसा है जो प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर चार पढ़ो भाई, पॉइंट नंबर चार क्या कहता है ऑक्सीकरण अवस्था में, पॉइंट नंबर चार पढ़ो बुक में, क्या कह रहा है वो, है किसी के पास? पॉइंट नंबर चार ऑक्सीकरण अवस्थाएं, टाइम नहीं है, दोबारा भी नहीं जुड़ना है। संक्रमण तत्व की उच्च ऑक्सीकरण, बोलो बोलो, संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व अधिक होता है। फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन युक्त धातु के यौगिकों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ऐसा इन परमाणुओं के छोटे आकार और अधिक विद्युतीयता के कारण होता है। हाँ, यस, मेरे कहने का मतलब या फिर ये जो बुक ये कहना चाहती है ना कि संक्रमण तत्वों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, हमने देखा मैंगनीज की प्लस सात, ठीक है, क्रोमियम की प्लस छह, ठीक है, आयरन की प्लस छह, ये जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये सभी संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसके साथ होती है स्थाई,
फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही इनके अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक स्थाई होते हैं। ठीक है, जैसे KMnO4, KMnO4 में पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है, इसमें यह ऋणायन होता है और यह धनायन होता है। धनायन से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऋणायन मैंगनीज का कंपाउंड है। अब यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 7। ठीक है, तो ये जो 7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये किसी और तत्व के साथ नहीं स्थाई होती, यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ ही स्थाई होती है मैंगनीज की। तो वैसे मैं बता दूं कि इनकी जो ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं अधिकतम वो केवल इन 2 तत्वों के साथ ही स्थाई होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? जैसे क्रोमियम का एग्जांपल लें तो क्रोमियम Fe6Cr ये केवल किसके साथ बनाता है? फ्लोरीन के साथ ही बनाता है। कोई लिखे क्रोमियम Cl6 ये गलत हो जाएगा, मतलब ये जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक है, यह +6 ऑक्सीकरण अवस्था है, यह फ्लोरीन के साथ स्थाई है, क्लोरीन के साथ नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? इनके अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल इन्हीं तत्वों के साथ क्यों स्थाई है? इसका कारण देख लो भाई, इसका कारण क्या है? इन दोनों को देखते ही याद आ रहा है कि इनका इनकी जो विद्युत ऋणता वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणता अधिक होती है या कम होती है? अधिक होती है। यस, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो पूरी पेरियोडिक टेबल में ही अधिक है। ठीक है, और ऑक्सीजन नंबर 2 है विद्युत ऋणता में। और सुनो, इनके आकार भी छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन का दोनों का एक तो आकार छोटा होता है और एक इन पर इनकी विद्युत ऋणता काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये दो ही तत्व इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को बनाए रखने में या उसको स्थाई रखने में सक्षम है। इसके अलावा कोई तत्व ऐसा नहीं कर सकता, किसी में भी इतना पावर नहीं होता कि वो इनसे इतने इलेक्ट्रॉन निकाल सके। क्रोमियम से 6 इलेक्ट्रॉन निकालने का पावर सिर्फ ये, या तो इसमें क्रोमियम जैसे Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी तो होता है ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी क्रोमियम की, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, देखो ये दोनों ही तत्व ऐसे हैं जो क्रोमियम से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्रोमियम की जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था है उसको स्थाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है और इनकी आकार भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए यह स्थाई बंध बनाते हैं किसके साथ? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। ठीक है, विद्युत ऋणता का मतलब तो समझते ही हो, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? बोलो भाई, विद्युत ऋणता का मतलब पता नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? बोलो बोलो। चलो फिर एक काम करते हैं, कल आप लोग मेरे को विद्युत ऋणता है ना, इसका मतलब बताओगे, इसका परिभाषा क्या है, है ना? ठीक है, और यह जो हमारी पेरियोडिक टेबल है उसमें किधर बढ़ती है? नहीं अब नहीं, है ना, वो इतनी देर नहीं बताया ना, इसका मतलब अब तुम कहीं से देख रही हो। ठीक है, तो उसको छोड़ो, अब कल बात करेंगे इसके बारे में, है ना। अब ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि ये जो संक्रमण धातु है ये है आयनिक यौगिक, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध दोनों बनाते हैं, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध दोनों बनाते हैं। अब इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, जैसे इनके जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे क्रोमियम ये क्रोमियम है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है +6, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में हमेशा इनके यौगिक सहसंयोजक होते हैं, यह सहसंयोजक इनके जो बंध होते हैं उनमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कम ऑक्सीकरण अवस्था है जैसे Cr+2 है, इनमें इनके यौगिक आयनिक होते हैं, ये आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है, इसकी जो व्याख्या है वो थी कहां पर? क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 आयंस रूल।
ठीक है, फायन के नियम कब आयनिक गुण में सहसंयोजक आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण कब आते हैं ये वहां लिखा हुआ है, इसकी बात हम करेंगे कल, क्योंकि हमारी क्लास है कटने वाली और दोबारा हम नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, हो सकता है कल हम लोग ये जो डी ब्लॉक है हमारा ये हम पूरा कर लेंगे, है ना। तो अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हो, बोलना जरा। हाँ सर। ओके, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया टॉपिक? हाँ। ओके गुड, पढ़ लो इसको और डी ब्लॉक पूरा खत्म कर देना कल, पढ़ करके हम कल डी ब्लॉक पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल, कल है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही और कल हम लोग यहीं से वापस बात करेंगे, है ना। ओके, तो अब मीटिंग लीव करते हैं।